हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी जीके ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसमें जनरल नॉलेज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन लिया गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुके हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपके सामने चार ऑप्शन है, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। फ्रेंड्स, जिस प्रश्न का आंसर आपको पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, इसका ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म होगा। तो बौद्ध धर्म, त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, इस प्रश्न का आंसर बताएं। फ्रेंड्स, ऑप्शन है कृष्णमूर्ति राव, आर के खाडिलकर, हुकुम सिंह, अनंत सैनव आयंगर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा अनंत सैनव आयंगर होगा। फ्रेंड्स, यहां से आपका एक प्रश्न एक और बन सकता है। प्रश्न ये बन सकता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मौलिक कर्तव्य के विचार कहाँ से लिया गया है, इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटिश, रूस या फ्रांस। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा रूस। तो मौलिक कर्तव्य का जो विचार है रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऑप्शन है गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या एवरेस्ट। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च जो पर्वत श्रेणी है गॉडविन ऑस्टिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, इस प्रश्न का आंसर बताएं। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है सरयू, रामगंगा, काली नदी या पिंडर नदी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा काली नदी। जो काली नदी है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं। फ्रेंड्स, इसका भी ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश होगा। जो खजुराहो का जो मंदिर है मध्य प्रदेश राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं। ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर आप ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा गोदावरी। तो जायकवाड़ी जो परियोजना है गोदावरी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि चार मीनार का जो निर्माण है किसने कराया था। इस प्रश्न का आपके सामने ऑप्शन है
हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह, औरंगजेब। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर पाए हैं। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।